वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड आप यूज कर रहे हो, जैसे कि प्रेगा न्यूज, आई कैन, प्रेगालीन, प्रेगा कैम, ये जो टेस्ट कार्ड हैं, क्या आपको ये गलत रिजल्ट शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी नहीं है, तो प्रेगनेंसी ना होने के बावजूद क्या ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं, उसमें आपको दो लाइनें शो हो सकती हैं, या फिर प्रेगनेंसी तो है लेकिन जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं वो क्या आपको नेगेटिव रिजल्ट मतलब कि एक लाइन शो कर सकते हैं। तो उसका एक साफ सा और सरल सा जवाब ये है कि हाँ, जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हैं ये आपको फेक पॉजिटिव या फेक नेगेटिव रिजल्ट मतलब कि गलत रिजल्ट शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बिना किसी देरी के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं, ये प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे बीटा एसटीजी हार्मोन बोलते हैं, ये इस हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं। तो होता ये है कि जब किसी महिला को प्रेगनेंसी रुकती है, मतलब कि जब बच्चा बच्चेदानी के अंदर जाता है, इम्प्लांट होता है, तो बच्चा एक हार्मोन को बनाना स्टार्ट करता है जिसे बोलते हैं बीटा एसटीजी। फिर ये हार्मोन ब्लड से होता हुआ गुर्दों में जाता है, गुर्दे खून को छानने का काम करते हैं। फिर जो एक्सेसिव हार्मोन ये होता है, ये महिला के पेशाब से होता हुआ शरीर से बाहर निकलता है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई महिला यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, तो जो ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं इस हार्मोन को पता लगा लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये हार्मोन पेशाब में आ रहा है, इसका मतलब जो बच्चा है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो गया है। इससे आपको अपनी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इतनी सारी प्रोसेस होती हैं, तो इन सभी प्रोसेस में अगर कोई ना कोई खराबी हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि अब जो हार्मोन बच्चे ने रिलीज़ किया, अगर ये हार्मोन बाहर से बन रहा है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड आपको गलत रिजल्ट देंगे। या फिर अगर आप गलत तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही हैं तो भी आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। या फिर अगर आपने सही टाइम से प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया तो भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टेस्ट कार्ड ही एक लोकल ब्रांड टेस्ट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से रिजल्ट मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आप यूरिन सैंपल यूज़ कर रहे हो, अगर सैंपल कलेक्शन सही नहीं है तो भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रेगनेंसी भी होती है जो कि शुरुआती समय पर दिखाई नहीं देती हैं, तो भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जिसे हम लोग एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आप टेस्ट कार्ड यूज़ कर रहे हो वो एक अच्छी ब्रांड कंपनी का होना चाहिए, जैसे कि प्रेगा कैम, प्रेगा न्यूज़ या प्रेगालीन या फिर आई कैन, ठीक है। दूसरा, जो यूरिन सैंपल आप यूज़ कर रहे हो वो फ्रेश होना चाहिए, और सुबह खाली पेट का यूरिन सैंपल होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो 6 वीक से कम का है, अगर 6 वीक से ज़्यादा का है तो दिन में आप कभी भी यूरिन सैंपल लेके प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, वो आपको सही रिजल्ट देगा। दूसरी तरफ जिन कपल्स को ये डर रहता है कि भाई उनको प्रेगनेंसी है कि नहीं, तो वो क्या करते हैं, जिस दिन उनका रिलेशन होता है उसके अगले दिन ही वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको फेक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बच्चा तो अभी यूट्रस में गया ही नहीं है। मान के चलें जिस दिन आपने रिलेशन बनाया उस दिन अगर प्रेगनेंसी के लिए बच्चा तैयार हो जाता है, तो बबच्चे को यूट्रस तक पहुंचने में कम से कम 7 से 9 दिन लग जाते हैं। तो रिलेशन बनाने के लगभग 14 दिन के बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। और मोटा मोटा ये हिसाब किताब है कि अगर किसी महिला को पीरियड्स नहीं आते हैं, सबसे पहले तो आपको पीरियड्स आने का वेट करना होता है। अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं है, बट अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो पीरियड साइकिल की डेट के लगभग 3 से 5 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए सही रिजल्ट के लिए, ठीक है। फिर जो यूरिन की ड्रॉप्स है, हमेशा ड्रॉपर की हेल्प से ही टेस्ट कार्ड में डालनी होती है। कभी कभी जो फीमेल्स हैं वो यूरिन की स्ट्रीम के, मतलब कि जब वो यूरिन करती हैं पास
आउट करती हैं तो जो टेस्ट कार्ड है उसको यूरिन के आगे ही कर देती हैं, सैंपल के लिए जो ड्रॉपर होता है उसका यूज़ नहीं करती। तो ऐसी कंडीशन में जो यूरिन है वो यूरिन सैंपल में जाने के साथ साथ टेस्ट विंडो में भी चला जाता है, और ऐसी कंडीशन में आपको इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट मिलता है। फिर अगली कंडीशन होती है कि आपने टेस्ट तो किया लेकिन टेस्ट कार्ड को आप टेस्ट करके रख देते हो, और 2-3 घंटे के बाद जब आप देखते हो तो उसमें आपको एक सफ़ेद या ग्रे कलर की लाइन नज़र आती है। ये लाइन इवेपोरेटेड लाइन होती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है। जो प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट है वो हमें 5 मिनट के अंदर अंदर ही देखना होता है। अगर एक लाइन आ रही है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड नेगेटिव, 2 लाइन आ रही है तो पॉजिटिव, 5 मिनट के बाद टेस्ट रिजल्ट इनवैलिड। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी खुद बोलती है, ठीक है। अगली जो कंडीशन है वो ये कि अगर महिला का इरेगुलर पीरियड साइकिल है, जैसा कि पीसीओडी पीसीओएस की कंडीशन में होता है, या फिर महिला को हॉर्मोनल रिलेटेड इश्यूज हैं जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, या फिर महिला डायबिटिक है, तो उन्हें फेक नेगेटिव रिजल्ट या फेक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है हॉर्मोनल फ्लैक्चुएशंस के कारण। दूसरी तरफ अगर महिला की एज 35 साल से अधिक है तो गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन्स में फ्लैक्चुएशंस के कारण यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फेक पॉजिटिव रिजल्ट शो कर सकता है। इसके अलावा जो महिलाएं जिम वगैरह जाती हैं, या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, या फिर हॉर्मोन्स की दवाइयां लेते हैं, ख़ास तौर पर कंसीव करने वाली दवाइयां, तो उन दवाइयों में भी बीटा एसीजी के इंजेक्शन हो सकते हैं, या फिर अगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो इन सप्लीमेंट्स के कारण भी आपको फेक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर महिला को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो भी जो है फेक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। इसके लिए आपको यूरिन सैंपल जब आप लेंगे तो मिड यूरिन सैंपल कलेक्ट करना चाहिए, ताकि जो है इन्फेक्शन के कारण आपका जो टेस्ट रिजल्ट है उस पर कोई उसका इफेक्ट ना पड़े। अगली कंडीशन होती है एप्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो 6 वीक्स तक, अगर मान लीजिए कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन है, तो 6 वीक्स तक आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो नेगेटिव रिजल्ट शो करता है, और 6 वीक के बाद फिर आपको हल्की हल्की जो है टेस्ट रिजल्ट में आपको पिंक लाइन शो होती है, जो कि धीरे धीरे गाढ़ी होती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एप्टोपिक प्रेगनेंसी है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, और इसमें आपको ऑपरेशन कराना होता है। मोटा मोटा आपको बता दूं कि जो एप्टोपिक प्रेगनेंसी है वो एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो कि यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर नहीं इम्प्लांट होती, बच्चेदानी के बाहर इम्प्लांट होती है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, अंडेदानी, या फिर बच्चेदानी के मुंह में, या फिर पेट के किसी भी भाग में। अगली टेस्ट कार्ड से रिलेटेड ही है कि भाई अगर आप लोकल ब्रांड टेस्ट कार्ड का यूज़ कर रहे हो, या फिर एक्सपायर टेस्ट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको फेक नेगेटिव फेक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा कभी कभी केमिकल प्रेगनेंसी का भी इशू होता है, मतलब कि भाई महिला ने कंसीव किया है, और कंसीव करने के बाद उनका अगर मिसकैरेज हो जाता है, और पीरियड्स भी आ जाते हैं, हालांकि वो पीरियड्स नहीं होते, अबॉर्शन की ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग भी आ गई लेकिन महिला को लगा कि भाई ये जो ब्लीडिंग है ये डिफरेंट टाइप की है, या फिर उन्हें प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स अगर लग रहे हैं तो वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो उन्हें प्रेगनेंसी जो है टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें शो होती हैं। इस कंडीशन को केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं, जहां पर आपकी प्रेगनेंसी तो ख़त्म हो गई है लेकिन आपको स्टिल प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें शो हो रही हैं, जो कि लगभग 21 दिन तक शो हो सकती हैं अगर आपका मिसकैरेज हुआ है। दूसरी कंडीशन होती है अगर आपने गर्भपात की गोलियां खाई हैं और आपका अगर मिसकैरेज कंप्लीट हुआ है, मतलब कि अबॉर्शन अगर आपका कंप्लीट हो गया है, तो लगभग 21 दिन तक आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन स्टिल अगर 21 दिन के बाद भी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ मुख्य कंडीशन थी जिसे मैंने आपको बताया, जहां पर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फेक पॉजिटिव या फेक नेगेटिव रिजल्ट शो कर सकता है। तो अब करें क्या कन्फर्म करने के लिए कि भाई एक्चुअल में प्रेगनेंसी है कि नहीं है? सबसे सहायक जो टेस्ट है वो होता है ब्लड टेस्ट, जिसे बोलते हैं सीरम बीटा एसीजी क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट। इसमें आपको बीटा एसीजी की वैल्यू मिल जाती है, और ये जो टेस्ट है ये वाया ब्लड हो रहा है, तो इसमें फेक नेगेटिव फेक पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ही हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर बीटा एसीजी में भी आपको कन्फ्यूज़न रह रही है कि भाई ये जो टेस्ट रिजल्ट है शायद प्रेगनेंसी नहीं है, और इसमें प्रेगनेंसी
जो हार्मोन है उसका लेवल आपको दिख रहा है, तो फिर अगली जो कंडीशन है वो डॉक्टर की कंसल्टेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेके आपका पूरा केस समझते हैं कि भाई एक्चुअल में आपको प्रेगनेंसी है भी कि नहीं, आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हुई है कि नहीं, या आपको गलत रिजल्ट तो नहीं मिल रहा। इवन अगर आपका ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर की सलाह से आप कन्फर्म कर सकते हो कि भाई ये नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। हो सकता है कि आपको ब्लड टेस्ट के साथ डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड कराने की एडवाइस भी दें। तो ये कुछ कंडीशन थी जहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हो प्रेगनेंसी है कि नहीं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।